मॉड्यूल वन हंड्रेड थर्टी एट मेजर डिप्रेसर सो वेन वी टॉक अबाउट दिसिकली मीन दैट दाइल्ड इज एक्सपीरसिंग नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी प्लेयर इन डेली लाइफ एक्टिविटीज डिप्रेशन के अंदर यूजली द चाइल्ड कैन ऑल्सो एग्जिबिटिंग द इिटेबल मूड और एंगर मोस्टली जब बच्चा आपके पास आता है डिप्रेशन के प्रॉब्लम के साथ तो उसके पेरेंट्स जो आपको कम्प्लेंट करते हैं वो मोस्टली ये कम्प्लेंट करते हैं कि ये बच्चा जो है वो किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं लेता उदास रहता है इसका जो मूड है वो उदासी की तरफ माइल है और मोस्टली जो है ये एक तरफ कोने में बैठा रहता है इसके स्कूल में कोई दोस्त नहीं है ये ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है तो इस तरह की कंप्लेंट्स लेके जब पेरेंट्स आपके पास आएंगे या इस किस्म की आपको कंप्लेंट्स मिलेंगी तो आपको जो चीज़ पहले पॉइंट के ऊपर देखनी है वो ये देखना है कि बच्चे का जो मूड है वो डिप्रेस तो नहीं है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है वो बेसिकली मूड डिसऑर्डर्स के अंडर आता है तो जब हम कहते हैं कि ये मूड डिसऑर्डर के अंडर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो मेन डिस्टर्बेंस है वो बच्चे की किस में होगी इमोशन के अंदर होगी तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो उसका इमोशन है जो उसकी इमोशनल स्टेट है क्या वो सैडनेस की तरफ है इन्जाइटी की तरफ है इरिटेबिलिटी की तरफ है या उसके अंदर कोई मूड स्विंग्स तो नहीं आ रहे मूड स्विंग्स से हम क्या मुराद लेते हैं और वी मीन कि एक वक्त में बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है और एक वक्त में बच्चा बहुत ज़्यादा सैड है तो व्हेन वी आर सेइंग दैट देयर इज़ अ मूड स्विंग इन द चाइल्ड हिस्ट्री दैट्स मीन के माइट बी अब बच्चे को सिर्फ डिप्रेशन नहीं है बल्कि मेनिया का भी कोई एपिसोड है अब मेनिया क्या है इसको हम नेक्स्ट किसी लेक्चर में पढ़ेंगे फिलहाल इतना आप समझें कि मीनिया जो है वो यूफोरिक स्टेट होती है दैट इज द दाइटन स्टेट दैट इज द फेस इन विच द चाइल्ड फील इलेशन इन द मूड ठीक है यानी बच्चा बहुत ज्यादा खुशी महसूस करता है और वो उसके डिफरेंट बिहेवियर से एग्जबिट होती है लेकिन जो डिप्रेशन की स्टेट है उसके अंदर जो बच्चे का मूड है वो मोस्टली जो है वो सैडनेस की तरफ आता है इसमें इंटरेस्टिंगली ये भी देखा गया है कि जब सैडनेस का मूड आता है तो टाइम बच्चों के अंदर इन्जाइटी भी आ रही होती है लाइक दे आर वरिड अबाउट द फ्यूचर टू ठीक है तो टाइम एन्जाइटी और सैडनेस के मिक्स सी पिक्चर भी आपको मिलती है लेकिन जो डोमिनेटिंग मूड होगा वो सैडनेस का होगा और इरिटेबिलिटी का हो सकता है हेल्पलेसनेस का हो सकता है इरिटेबिलिटी का क्या मतलब है जिसे हम उर्दू में कहते हैं चिड़चिड़ापन ठीक है तो आम तौर पर पेरेंट्स आकर ये रिपोर्ट करती हैं कि हर बात पे यह चिड़चिड़ापन महसूस करता है ऐसा कोई भी छोटी सी बात कहो तो ये चिड़चिड़ा हो जाता है ठीक है तो दैट इज़ समथिंग कि जब आपको पेरेंट्स इस किस्म की कंप्लेंट्स करें तो यू नीड टू बी फाइंड आउट कि कहीं ये डिप्रेशन की तरफ तो नहीं जा रहा जो भी आपके पास क्लाइंट आएगा देन जो उसके थॉट पैटर्न हैं उनको अगर आप देखोगे तो वो नेगेटिव होंगे अब नेगेटिव का क्या मतलब है कि वो अपनी सेल्फ के बारे में ओवर क्रिटिकल होगा ठीक है या वो दुनिया के बारे में और लोगों के बारे में बहुत नेगेटिव अप्रोच रखेगा मोस्टली वो ये कहेगा कि लोग उसके बारे में अच्छा नहीं सोचते उसको दोस्त अच्छा नहीं समझते वो कुछ कर नहीं सकता ही इज़ अनएबल टू परफॉर्म एनी तो इस किस्म के जो थॉट्स हैं वो उसके अंदर प्रिवेल करते हुए आपको नज़र आएंगे उसके साथ साथ जो बिहेवियर है वो ऐसा होगा कि उसको लैक ऑफ़ एनर्जी फ़ील होगी ठीक है उसको यूं फील होगा कि वो कोई काम कर नहीं सकता अगर आप उससे पूछोगे कि अच्छा डू यू लाइक टू प्ले तो वो कहेगा आई वॉन्ट टू प्ले बट आई फील दैट आई डोंट हैव एन एनर्जी टू डू दैट यानी उसको ये करना भी बहुत मुश्किल लगेगा कि वो अपने बेड से उठे और बाहर प्लेग्राउंड तक जाए ठीक तो इस तरह की जो लैक ऑफ एनर्जी है वो आप उसके अंदर ऐसा बिहेवियर एग्जिबिट होता हुआ देखोगे इसके साथ साथ क्राइंग स्पेल्स आ सकते हैं बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है कोशिश करता है कि मोस्टली जो है वो अपने पेरेंट के साथ रहे क्लेंगिंग बिहेवियर जो है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा देखने में आता है ठीक है इसके साथ साथ सोशल इंटरैक्शनस को वो अवॉइड करेगा उनके साथ वो मिलने जुलने की को, कोशिश करेगा कि वो जितना मुमकिन हो सके वो अकेला रहे ठीक है तो एक जो बाकी लोगों के साथ मिलना जुलना होगा वो कम हो जाएगा लेकिन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग ये जो पैटर्न है उसका ये सिर्फ अक्र हो रहा हो किस दौरान जिस दौरान उसकी एक्टिव एपिसोड है अगर वो उसका पैटर्न ही ये है कि वो लोगों से वैसे ही मिलना जुलना पसंद नहीं करता तो फिर उसको हम किसी और तरीके से देखेंगे उसको फिर हम डिप्रेशन के अंडर नहीं देखेंगे देन द फिजिकल सिम्टम्स फिजिकल सिम्टम्स के अंदर मोस्टली ऐसे बच्चे जो होते हैं वो या तो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं या वो बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं अब इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये ना हो कि एक बच्चा डाइट कर रहा है और उसने अपना वेट लॉस किया है तो हम ये कहें जी किसे डिप्रेशन है नहीं अगर उसने डाइट लॉस नहीं डाइट के ऊपर नहीं है और वेट लॉस किया है और उसके साथ साथ उसका जो डोमिनेट मूड है वो सैडनेस की तरफ या इरिटेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो हम उसे कहेंगे कि इस बच्चे को जो है वो प्रॉब्लम है डिप्रेशन का इसके साथ साथ आप ये भी देखोगे कि बहुत दफ़ा वो ऐसे कंप्लेंट्स करेगा पेंस की कि जिनका कोई लाइक फिजिकल ओरिजिन नहीं होगा लाइक like, उसको हर वक्त सर में दर्द होगी या हर वक्त पेट में या टांगों में दर्द होती रहेगी एंड दैट रिफ्लेक्ट के जी उसके अंदर लैक ऑफ एनर्जी है और वो जो बच्चा है वो कोई चीज़ या कोई काम प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहा इसके साथ साथ जिन बच्चों को डिप्रेशन होता है उसका सवेरिटी लेवल हाई होता है वो सर्टन टाइम जो स्यूसाइड की थॉट्स हैं या सुसाइड के जो प्लान्स हैं वो भी आर्टिकुलेट करते हैं तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है कि सुसाइडालिटी जो है वो बच्चे के अंदर मौजूद है या नहीं है इन बच्चों के अंदर गिल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इनमें सेल्फ क्रिटिसिज्म ज़्यादा है इसलिए जो गिल्ट का एलिमेंट है वो इनमें बहुत ज़्यादा है एंड दे परसीव कि अगर इनकी लाइफ में कोई चीज़ गलत हो रही है तो दैट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ देम तो ये जो पिक्चर है जब ऐसा कोई क्लाइंट आपके पास आए जिसके पेरेंट्स आपको ये चीजें रिपोर्ट करें तो यू नीड टू बी फाइंड आउट कि आदर द चाइल्ड इज फुलफिलिंग द क्राइटेरिया ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और नॉट